Hello everyone, welcome to Adil Coaching and this is Krishnakant Singh Bundela. Macroeconomics, Rate of Interest के पार्ट 7 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. ये पार्ट भी हिंदी में है और इसमें हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे. नोट वही है कि ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए अगर आपको पूरा पूरा बेनिफिट चाहिए हो तो आप फर्स्ट पार्ट से देखें ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हों. स्टार्ट करते हैं. प्रोफेसर जे एम कीन्स, इन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट की. इनकी एक बुक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उस पर इन्होंने ये सब बताया था. अब इसको जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार रिवाइज कर लें कि क्लासिकल न्यू क्लासिकल क्या है और कीन्स ने क्या मॉडिफिकेशन उसमें किया है या क्या बोला है. क्लासिकल के बारे में हमको ये पता है कि एक फिक्स्ड इनकम होती थी. फिक्स्ड इनकम क्यों होती थी? क्योंकि उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट माना था. ओके. इसके बाद ये आए थे कि उस फिक्स्ड इनकम के बेसिस पर होती है सेविंग्स और उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदला जाता है. लेकिन ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहां तक की कहानी क्लासिकल की थी. जब इसी सेविंग्स में दो चीजें जोड़ दी गई, होल्डिंग्स एंड बैंक क्रेडिट, तो ये क्या हुआ? न्यू क्लासिकल बन गया. यानी कि न्यू क्लासिकल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा जुड़ गई, लेकिन क्लासिकल में सेविंग्स और न्यू क्लासिकल में बैंक क्रेडिट और होल्डिंग्स, ये मनी पार्ट है. ये सेविंग्स भी मनी पार्ट है, पर इन तीनों का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट में हो रहा है. और इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो कुछ बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उस प्रोडक्शन के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी कि प्रोडक्शन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बात कही है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल्स ने. लेकिन कीन्स ने कहा नहीं. कीन्स ने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट संबंध है मॉनेटरी फिनोमिनल से. ये जो पैसा आप जमा कर रहे हो, इससे, इसकी वजह से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव आता है, ना कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन से. यानी ये रियल फैक्टर नहीं है, ये मॉनेटरी फिनोमिनल है. तो कीन्स का ये दावा था कि ये मॉनेटरी फिनोमिनल है और उसी पर इन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी है. तो अगर हमको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो ये समझना होगा हमको कि वास्तव में कीन्स कहना क्या चाह रहे हैं. ये तो हमको क्लियर है, इतने पार्ट्स में मैंने आपको समझा दिया है कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में बदली जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का उसमें सहारा लिया जाता है, होल्डिंग्स और बैंक क्रेडिट को जोड़ा गया न्यू क्लासिकल्स में. ये जो सेविंग्स वाला पार्ट था ये कहां का था? क्लासिकल्स का था. होल्डिंग्स और बैंक क्रेडिट का जो पार्ट था ये था आपका न्यू क्लासिकल का. अब यहां पर कीन्स ने क्या कहा, बहुत ध्यान से समझिएगा. कीन्स ने ये कहा कि आप जब पैसा जमा करते हो, सेविंग्स करते हो, तो आप क्या चाहते हो? पैसा कैश में रखना बिना इंटरेस्ट के, या किसी बॉन्ड और सिक्योरिटी के रूप में रखना जो आपको किसी समय के बाद पैसा देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी? जैसे आपको आपके पापा ने 500 का नोट दिया कि भैया जाओ खर्च करो. अब आपने वो 500 रुपए आपके पास रखे हुए थे आपकी जेब में कैश, लेकिन आपने सोचा कि यार इसका तो कुछ पैसा बढ़ नहीं रहा है, तो आपने अपने दोस्तों को वो उधार दे दिए. कि एक ने बोला मुझे 400 रुपए दे, मैं तेरे को 420 दूंगा. एक ने बोला मुझे 100 रुपए दे, मैं तेरे को 105 दूंगा बाद में, एक महीने के बाद. आपने दे दिए, वो ज्यादा आपके लिए सेफ होगा या आपकी पॉकेट में रखे हुए 500 रुपए ज्यादा सेफ होंगे? बताइए. सेफ की बात नहीं है, जरूरत की बात है. आप पहला इंपॉर्टेंस किसको देंगे? आप पहली इंपॉर्टेंस बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले अपने लिक्विड मनी को देंगे, अपने कैश को देंगे. आप अपने पास कैश रखना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति हो वो सबसे पहले अपने पास कैश रखना चाहेगा. यानी वो सेविंग्स क्यों करता है व्यक्ति, और किस रूप में करता है, किस रूप में करना चाहता है, और वो है लिक्विड या कैश के रूप में. वो लिक्विड या कैश के रूप में सेविंग्स करना चाहेगा, यानी कि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है लिक्विडिटी. इसलिए इसका नाम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है. पहला इंपॉर्टेंस हम देते हैं कैश को. क्लासिकल्स और न्यू क्लासिकल्स ने क्या कहा है कि सेविंग्स कर रहे हैं जब हम, तो अपने कंजम्पशन से अपने को दूर कर रहे हैं, इसका हमको रिवॉर्ड मिलता है. हम टाइम के बाद वो पैसा ले रहे हैं, इसका हमको रिवॉर्ड मिलता है. किंग्स बोलते नहीं, आपकी सबसे चहेती चीज है कैश, आपका लिक्विड, और उस चहेती चीज से आप अपने आप को डिपार्ट कर रहे हो, अलग कर रहे हो, आप उसका त्याग कर रहे हो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है,
इसका रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए और उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो आप अपने उस प्रिय चीज से, उस कैश से अपने को अलग करोगे और इन्वेस्टमेंट में भागीदार बनोगे। ये है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कीन्स की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहला इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं, कैश को देते हैं। लेकिन अब ये बात आती है किस प्रकार के कैश को देते हैं, हम कौन सा कैश चाहते हैं, और अगर हम कुछ कैश चाहते हैं तो कोई तो होगा जो हमको कैश देगा, यानी हमारी डिमांड है कैश की, तो हमको कोई सप्लाई भी तो करेगा वो कैश, वो मनी। तो तीन प्रकार की चीज होती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में। अगर हम ये देखें कि डिमांड जो करता है व्यक्ति कैश का या मनी का, वो क्यों क्यों करता है, और सप्लाई मनी की कहां कहां से आती है, तो डिमांड तीन तरह की होती है। एक होती है ट्रांजेक्टरी मोटिव के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, एक होती है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, और एक होती है स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए। सप्लाई क्या क्या होती है, सप्लाई होती है गवर्नमेंट के करेंसी से, यानी प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती सप्लाई मनी का, इसको गवर्नमेंट बाय करेंसी इशू करेगी, करेंसी वहां से पैसा आ सकता है, या फिर जो सेंट्रल बैंक है वो कोई पॉलिसी के थ्रू मनी की सप्लाई बढ़ा दे, वो जो होल्ड करके रखा हुआ है मनी उसको मार्केट में ले आए, ये भी हो सकता है। इसके थ्रू मार्केट में पैसा आता है और वो आपको मिल सकता है, आप कैश रखना चाहोगे तो। आप कैश जो रखना चाहते हो वो तीन कारणों से रखना चाहते हो। ट्रांजैक्शन मोटिव तो सिंपल है, यानी हमको डेली पर्पस के लिए जो चीज चाहिए है वो खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए, इसलिए हम कैश चाहते हैं। हम अपने जेब में कैश इसलिए चाहते हैं कि हम आटा, दाल, चावल, जो भी आपका राशन है वो महीने का आ जाए, ट्रांजैक्शन मोटिव वो होता है। प्रिकॉशनरी होता है एक सावधानी के लिए रखा जाए, जैसे आप यहां से बाजार जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, कोई पार्टी में जा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, मम्मी 100 का नोट देना, क्यों चाहिए, ऐसे चाहिए रखने के लिए, वक्त बे वक्त जरूरत पड़ जाए, तो आप वो पैसा प्रिकॉशंस के लिए रख लेते हैं, एक तरीके का सावधानी कि अगर गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो मेरा ये पैसा काम आ जाएगा, उसके लिए रखा। उसको खर्च नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन वो डिमांड है आपकी। एक मेरे पिताजी हैं जो बाइक में हमेशा फुल टैंक भर के रखते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों के भी रखते होंगे, उनको ये लगता है कि रात में या कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ हो जाए, तो बाइक में पेट्रोल होना चाहिए। तो ये एक तरीके का प्रिकॉशन है, उसके लिए लोग इकट्ठा करके रखते हैं प्रिकॉशंस के लिए। और एक है स्पेक्युलेटिव मोटिव, ये मोटिव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।